हेलो एवरीवन, मेवाड़ ई नर्सिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर सब सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, बड़े कम। जैसा कि आप सभी को पता है, मेवाड़ ई नर्सिंग कुछ नया इनोवेटिव करने के लिए जाना जाता है और इसी सेशन के अंदर RSM, SSB, NHM, GNM, राजस्थान CHO, UPPSC, DSSSB, KGMU, BFHU, AIIMS, RPSC, RUHS, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप इस कोर्स को पढ़ के, इस MCQ बैच को पढ़ के आप दे सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री चलाया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट MCQ बैच चलाया जा रहा है। उसी सेशन के अंदर अपन और आगे बढ़ते हुए और चार चांद लगाते हुए, तो एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हमारा सब्जेक्ट, उसके अंदर गोल्डन MCQ के साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम अपन आज कैरी ऑन करेंगे बिना किसी डिले, बिना किसी इंतजार के। तो पहला MCQ आप सभी के सामने क्या कहता है, पहला MCQ क्वेश्चन को अच्छे से रीड करें एंड गिव द राइट आंसर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एक्सेप्ट। क्या पूछ रहा है, जल्दी से क्वेश्चन अच्छे से रीड करें। ऑल ऑफ द फॉलोइंग क्या पूछा है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एक्सेप्ट, यानी सारे के सारे जो ऑर्गन है वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं एग को छोड़ के। तो डाइजेशन में हेल्प करने वाले ऑर्गन होंगे 3 और एक होगा आपका जो डाइजेशन में हेल्प नहीं करता है। बताओ जल्दी से राइट आंसर। लीवर, पैनक्रियाज, कॉल ब्लैडर और ड्यूडेनम। आप देखो पूछा क्या है, मैं बता दूँ, चारों ही डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है, लेकिन यहाँ पे पूछा असेसरी ऑर्गन के अंदर 3 ऑर्गन आपके आते हैं एक को छोड़ के, ठीक है, एक को छोड़ के सारे के सारे असेसरी ऑर्गन में आते हैं। तो ड्यूडेनम जो होता है वो आपका मेन पार्ट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का मेन पार्ट होता है। ड्यूडेनम हुआ, जेजुनम हुआ, इलियम हुआ, ये किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। किसके पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, ठीक है। 3 पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, उसके ऊपर स्टोमक होता है, उसके नीचे कॉलन होता है, ठीक है। लीवर एक प्रकार का असेसरी ऑर्गन होता है, पैनक्रियाज भी असेसरी ऑर्गन होता है, गॉल ब्लैडर भी असेसरी ऑर्गन होता है, ठीक है। तो ये डी जो है वो असेसरी ऑर्गन नहीं है, मतलब एक्सेप्ट में आंसर जाएगा आपका डी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। जल्दी से जल्दी क्लास को लाइक ज़रूर करें ताकि मैं अगला क्वेश्चन कैरी ऑन कर सकूं, और शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर से, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, एक प्रोसेस पूछी है किसकी, फूड टेकिंग की, मतलब भोजन को ग्रहण करने की एक प्रोसेस पूछी है आपको, फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। आप मान लो फूड आप ले रहे हो, मुंह में ले रहे हो, उसकी डाइजेस्टिव की जो प्रोसेस है, इनहेलेशन मतलब इंजेशन की जो प्रोसेस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंजेशन। तो बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या प्रोपल्सन बोलेंगे, क्या डाइजेशन है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन और प्रोपल्सन का मतलब क्या होता है, और इंजेशन और डाइजेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। मैं सब चीज़ें आपको बता दूंगा, कौन सा किसका काम होता है। इंजेशन करना ये होता है आपका माउथ का काम, ठीक है। और पेरिस्टाल्सिस, प्रोपल्सन का मतलब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, एक मूवमेंट होता है जिसके द्वारा फूड आगे बढ़ता है, ये आपको पाया जाता है ईसोफेगस के अंदर, पूरे GI ट्रैक में होता है, ईसोफेगस के बाद में, पर स्टार्ट ईसोफेगस से होता है, ठीक है। डाइजेशन का काम मेनली जो होता है वो आता है आपके स्टोमक में। इंजेशन का मतलब होता है फूड को टेक करना, फूड टेकिंग, और स्टोमक के अंदर ये होता है, ठीक है। और एलिमिनेशन, इसके पहले एक प्रोसेस और आती है एब्जॉर्प्शन, क्या आती है, एब्जॉर्प्शन, दोनों जो इंटेस्टाइन है ना उनके अंदर, बहुत इंटेस्टाइन, बहुत का मतलब स्मॉल एंड लार्ज, ठीक है, बहुत इंटेस्टाइन में। एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, उसका मतलब होता है कोलोन, क्या होता है, कोलोन, सॉरी NS के द्वारा ये क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है, NS, एनल कैलन और रेक्टम के द्वारा ये बाहर निकाला जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट राइट आंसर आपका इंजेशन हो जाएगा, मतलब फूड टेकिंग की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, आपकी इंजेशन कहलाती है। नेक्स्ट पूछ रहा है आपको,
ए प्रोग्रेसिव वेव लाइक मोमेंट दैट अकर इनवॉलंटरी इन द एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे अपन? प्रोग्रेसिव वेव लाइक जो मोमेंट होता है आगे से आगे जो उसे फूड मूव करता है, इनवॉलंटरी मोमेंट जिसका अपना कोई कंट्रोल नहीं होता है, अनैच्छिक, जैसे ही भोजन गया और वो चलने लग जाएगा, ठीक है, तो वो एलिमेंट्री कैनल का कौन सा पार्ट होता है इसको अपन क्या बोल सकते हैं? पेरिस्टाल्सिस, इंफ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, कॉलिक रेस्पॉन्स, रिगर्जिटेशन। तो राइट आंसर आपका आ गया है पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। क्या होता है? पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंफ्लेमेशन ऑफ द टंग। टंग का इंफ्लेमेशन क्या कहलाता है? ए बी सी डी में से राइट आंसर आपको बताना है। जिंजिवाइटिस, ग्लॉसाइटिस, पेरोटाइटिस, स्टोमेटाइटिस, चारों के मीन आपको बता दूंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी एक निकल के आ रहा है, ठीक है। अब कौन सा क्वेश्चन है यहाँ से निकल के आ रहा है जो टंग का पूछा है? टंग के अंदर यहाँ पर नर्व सप्लाई कौन करता है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। कौन सी करती है? ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। अब ग्लोसो से याद रखना ग्लोसाइटिस। क्या याद रखना आपको? ग्लोसाइटिस। टंग का इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है? ग्लोसाइटिस। गिंजिवाइटिस किसको बोलते हैं? जिंजिवाइटिस अपन गम्स का इंफ्लामेशन को बोलते हैं। किसको? गम्स का इंफ्लामेशन, ठीक है। पेरोटाइटिस यानी पेरोटिड जो ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड? पेरोटिड जो ग्लैंड होगी उसका इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है? पेरोटाइटिस। और स्टोमेटाइटिस मतलब आपके ओरल म्यूकोसा का इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। चारों का मीन आपको बता दिया, एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी, यानी ग्लोसाइटिस इज द टंग इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट, कॉमन सेल माइक्रोब्स प्रेजेंट इनटू ओरल कैविटी, एच पाइलोरी, ई कोलाई, बैसिलस एसिडोफिलस या ऑल ऑफ दी अबव। कॉमनेस्ट कॉमन सेल्स माइक्रोब्स प्रेजेंट इनटू द ओरल कैविटी। ओरल कैविटी में कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कॉमन प्रेजेंट होते हैं? ए बी सी डी में से आपको राइट आंसर बताना है। एच पाइलोरी होता है क्या? ई कोलाई होता है? बैसिलस एसिडोफिलस होता है क्या? राइट आंसर आपका सी होगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जो बैक्टीरिया है ना, ये पाया जाता है आपका किस में? माइक्रोब्स या ओरल कैविटी में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ओरल कैविटी में पाया जाता है। तो ये समझ में आया सभी को? ये बैसिलस एसिडोफिलस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। अब आपको ये आंसर बाई चांस नहीं भी आ रहा है, ठीक है, तब भी आप इसको कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एच पाइलोरी पेप्टिक अल्सर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर आपके कहाँ पे होता है? आपके पेप्टिक अल्सर स्टोमक के वहाँ पे होता है, ठीक है। तो आप ये ओरल कैविटी कहाँ रह गई, कहाँ स्टोमक रह गया, ठीक है, तो इसको आप वैसे ही डिजेक्ट कर सकते हो। ई कोलाई है आपकी यूटीआई के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए? यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो इसको भी आपने कर दिया बाहर, ठीक है। तो ये भी हो गया बाहर, ऑल ऑफ द अबव वैसे ही बाहर हो गया, ठीक है। बच्चा कौन सा? बैसिलस एसिडोफिलस, ठीक है, वही आपका राइट आंसर है यहाँ पे सी। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इंटू द कर्ड। अब ऐसा कौन सा एसिड है जो आपके दूध को दही बनाता है, दूध को दही बनाता है, ठीक है। सिट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैलिक एसिड या टार्टरिक एसिड, बताओ जल्दी से राइट आंसर। ये आपने पहले भी पढ़ा था, लैक्टिक एसिड जो होता है ना वो क्या करता है, मिल्क को किस में कन्वर्ट करता है? कर्ड में, मतलब दही में, ठीक है। आपने पढ़ा होगा दही, तो दही में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? वो आपका करता है यहाँ पे लैक्टिक एसिड। क्या करता है? कौन करता है? लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को इंपॉर्टेंस देना है आपको, और ये तो इनको अच्छे से पढ़ना भी है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन ऑफ मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ द टंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से टेस्ट का आपको नाम बताना है, वन मोस्ट लिमिटेड
टू द टिप ऑफ द टंग, ठीक है, द टिप ऑफ द टंग पर कौन सा टेस्ट आपको फेल्ड होता है, टंग की टिप पर कौन सा टेस्ट फेल होगा, लेटरल में कौन सा होगा, सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो पहले ये पढ़ लो आप, तो पहले मैं आपको टंग बना के बताता हूँ, ठीक है। ये आपकी टंग है, ये आपका एंटीरियर पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, ये आपका पोस्टीरियर पार्ट है, ये आपका लेटरल पार्ट है, ठीक है। अब बताऊं मैं आपको एक एक करके सारे के सारे टेस्ट का नाम, ठीक है। आगे की तरफ जो फील होगा आपको वो आगा स्वीट, ठीक है। आगे सब जो अपने जो रिश्तेदार होते हैं मुंह के आगे, तो अपने क्या बोलते हैं, मीठे बोलते हैं। ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट है, तो मुंह के आगे तो सब मीठे बोलते हैं, ठीक है। अब ये साल्टी टेस्ट कहाँ पे फेल्ड होगा, ये साल्टी फेल्ड होगा यहाँ पे लेटरल में। सोर कहाँ होगा, ये सोर, थोड़ा सा साल स्वीट के थोड़ा सा जस्ट पीछे सोर टेस्ट, सोर। और मुंह अपने आगे, अपने मुंह के आगे, अपने सामने तो सब मीठे बोलते हैं, और पीठ पीछे क्या करते हैं, अपनी कड़वा बोलते हैं। और कड़वा यहाँ पे जीभ में कहाँ होगा, पीछे होगा, मतलब पोस्टीरियर में क्या होगा, बिटर, ये बिटर, ठीक है। ये पोस्टीरियर साइड में होता है, बिटर टेस्ट आता है, आगे की साइड में यानी एंटीरियर साइड में कौन सा आता है, स्वीट टेस्ट आता है। अब यहाँ पे क्या पूछा है कि टिप ऑफ द टंग, इस एंटीरियर पार्ट को ही टिप ऑफ द टंग बोलते हैं। टिप ऑफ द टंग पे कौन सा टेस्ट आएगा, अब बताओ जल्दी से, स्वीट टेस्ट, कौन सा आएगा, स्वीट टेस्ट, राइट आंसर सी हो जाएगा। आए समझ में, बड़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या कह रहा आपको, टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस आर लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द टंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंटीरियर पार्ट, पोस्टीरियर पार्ट, लेटरल पार्ट एंड अंडर सरफेस ऑफ टंग। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग बिटरनेस, बिटरनेस का मतलब क्या होता है, कड़वापन, कड़वापन कहाँ पर महसूस होगा, कौन से एरिया में, कौन से पार्ट में टंग के लोकेटेड होगा कड़वापन, ठीक है। तो बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर ए बी सी डी, विच इज द राइट आंसर। तो अपन ने अभी जस्ट पढ़ा था कि पोस्टीरियर पार्ट है टंग का, वहाँ पे कौन सा टेस्ट फेल्ड होता है, वहाँ पे आपका पोस्टीरियर के अंदर कौन सा टेस्ट फेल्ड होता है, बिटरनेस फेल्ड होगा, क्या होगा, बिटरनेस, राइट आंसर आपका अब भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब मैं आपको चारों ही पार्ट वापस बता देता हूँ। इंटीरियर पार्ट पे कौन सा होगा, स्वीट, ठीक है। और लेटरल पार्ट में साल्टी एंड सॉर, साल्टी यानी नमकीन जैसा, और सॉर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन सिक्रेटेड इन द सलाइवा, सलाइवा में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो सलाइवा के अंदर सिक्रेट होता है, निम्नलिखित में से, रेनिन, पहली बात करूं मैं रेनिन की, रेनिन है किडनी से रिलेटेड, किडनी में आता है ये, तो ये कर दो बाहर। फिर है टैनिन और रेसिन, ये दोनों भी इसी से रिलेटेड है, तो ये दोनों भी बाहर हो गए। बच्चा कौन सा अपने पास में, बी, और बी में क्या लिखा है, टाइलिन, तो टाइलिन जो होता है वो कहाँ से आता है, वो सलाइवा से आता है, कहाँ से आता है प्यार दोस्तों, सलाइवा से आता है, और राइट आंसर क्या हो जाएगा, टाइलिन, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा आपको, तो विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन टू द माउथ, ठीक है, विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द डाइजेस्ट इन टू द माउथ, फूड का ऐसा कौन सा पार्ट होता है, फूड का ऐसा कौन सा टाइप होता है जो आपके सबसे पहले, ठीक है, आपके माउथ में ही डाइजेस्ट होता है,
डाइजेस्ट होने का काम माउथ में नहीं होता है, माउथ में ओनली फॉर सलाइवा सिगरेट होता है, सलाइवा मिक्स होता है, पर ऐसा भाग है भोजन का जो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाता है, ठीक है, वो कौन सा पार्ट डाइजेस्ट भी वहीं हो जाता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, मैं आपको बताऊंगा उसका एग्जांपल भी, ठीक है, तो बताओ जल्दी सर राइट आंसर ये होगा कार्बोहाइड्रेट, क्या होगा कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट किस में होता है, आपने चना खाया, अब चना क्या होता है वहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है, डाइजेस्ट होने का मतलब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट कौन सी चीज़ों में होता है जो मतलब मुंह में रखते ही गुल जाती है, ठीक है, तो मुंह में रखते ही डाइजेस्ट हो गई वो, कुल मिलाकर कुछ नहीं बचा है, अंदर चली गई वो, उसका स्वाद आया ओनली फॉर, ठीक है, तो वो कार्बोहाइड्रेट वाली डाइट होती है, ठीक है। अब भुने हुए आपने अगर चने खाए हो तो देखा होगा वो वहीं पे डाइजेस्ट हो जाते हैं, थोड़ी देर अगर आप रखोगे वो वहीं पे डाइजेस्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट है रोल। अब प्रोटीन की मैं अगर बात करूँ तो प्रोटीन बहुत ही इम्पोर्टेंट यहाँ पे चैप्टर है, प्रोटीन का क्या है, स्मॉलेस्ट इकाई क्या होती है, अमाइनो एसिड, क्या होती है अमाइनो एसिड, ठीक है, तो 1 ग्राम प्रोटीन कितना किलो कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है, ठीक है, कितना किलो कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी देता है। फैट कितना देता है, 9, और कार्बोहाइड्रेट भी 4 किलो कैलोरी। अब सबसे ज़्यादा कैलोरी कौन देता है, तो फैट देता है, अगर आपको क्वेश्चन पूछे सबसे ज़्यादा किलो कैलोरी कौन देता है तो फैट देता है, और ये दोनों ही तीनों ही जो ऊपर वाले हैं ना, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट फैट और प्रोटीन, ये क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट है, क्या है मैक्रोन्यूट्रिएंट, बड़े न्यूट्रिएंट है। विटामिन क्या है, एक प्रकार का मिनरल है, और मिनरल किसका टाइप है, माइक्रोन्यूट्रिएंट का, किसका माइक्रोन्यूट्रिएंट का। न्यूट्रिशन के 2 पार्ट होते हैं, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट एक माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो माइक्रो का विटामिन मिनरल सारे के सारे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहा है डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टोमक, माउथ, कोलोन, कहाँ से स्टार्ट होता है डाइजेशन ऑफ फूड। फूड का डाइजेशन जो है, डाइजेशन भी पूछा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन, टैगिंग वगैरह, इंजेशन वगैरह कुछ नहीं पूछा है, तो फूड का जो डाइजेशन है वो ह्यूमन बॉडी में माउथ से ही स्टार्ट होता है, ठीक है, मान रहा हूँ मैं स्टोमक से स्टार्ट होता है, पर स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टोमक में तो होता है डाइजेशन, पर स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, स्टार्ट आपके माउथ से ही हो जाता है, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखना, अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन 1 डे इज, एक दिन में कितना सलाइवा सिक्रेट होता है, बहुत मतलब वैरायटी वाले क्वेश्चन है ये सारे के सारे, वैरायटी का मतलब एक क्वेश्चन आपके 10,000 का है, देख लेना, ठीक है। 0.5 लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर और 2 लीटर, बताओ जल्दी सर राइट आंसर। ABCD, तो 1.5 लीटर सलाइवा सिक्रेट होता है, बॉडी सिक्रेशन जितने भी सारे हैं ना लगभग 1.5 लीटर ही होते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर सलाइवा की बात करूं तो 1.5 लीटर है, आपका गैस्ट्रिक जोश की मैं बात करूं तो वो भी 1.5 लीटर है, बाइल की बात करूं तो बाइल भी 1200 से 1500 ml होता है, ठीक है, ये भी होता है, आपने पढ़ा होगा। ब्रेन का वेट पूछूं मैं आपको, ब्रेन का वेट कितना होता है, तो 1400 से 1500 ग्राम होता है। आपके लीवर का वेट पूछूं, लीवर का ओनली फॉर वेट कितना होता है, 1500 ग्राम होता है, मतलब 1.5 लीटर का वेट भी होता है, लीवर का भी वेट होता है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे पैरामीटर है जो 1.5 लीटर को कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, उससे मतलब वास्ता रखते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है डेफिशिएंट सलाइवेशन इज कॉल्ड, डेफिशिएंट सलाइवेशन क्या कहलाता है, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया, जीरोस्टोमिया, टाइलिज्म, हेलिटोसिस, तो राइट आंसर क्या होगा, जीरोस्टोमिया राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। पेनफुल स्वेलोइंग इज नाउन एज, पेनफुल स्वेलोइंग क्या कहलाता है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, अटैक्सिया, डिसपेप्सिया, डिसफेजिया, ओडिनोफेजिया, पेनफुल स्वेलिंग पूछा है, क्या पूछा है, पेनफुल स्वेलिंग पूछा है, तो पेनफुल स्वेलिंग आपका ओडिनोफेजिया कहलाएगा, ठीक है। पेनफुल अगर मान लो पेनफुल स्वेलिंग पूछा है, ठीक है,
और अगर भूख, यहाँ पे भूख की कमी या ऐसा कुछ पूछते हैं आपको, पैन इन द मतलब आप जब भी खाते हो ना तब पेन होता है, तो वो होगा आपका डिसफेजिया, मतलब फूड टेकिंग के टाइम पे पेन हो रहा है तब, और स्वेलोविंग जो है वो पेनफुल हो रहा है तो उसको ऑर्डिनोफेजिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑर्डिनोफेजिया। ठीक है, मतलब बोलने के टाइम पे पेनफुल स्पीच, डिसफेजिया का मतलब, फेजिया का मतलब होता है पेनफुल स्पीच। और इस ऑर्डिनोफेजिया को अपन एक टर्म और देते हैं, डिफ़िकल्टी इन, आप एक टर्म ऑफ देते हो डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग, उसको अपन क्या बोल सकते हैं? एक तो पेनफुल स्वेलिंग, तो ऑर्डिनोफेजिया हो गया। ठीक है, अब पेनफुल क्या हो रही है यहाँ पे, पेनफुल क्या हो रही है यहाँ पे, स्वेलोविंग, तो स्वेलोविंग के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं? डिसफेजिया। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन मतलब स्वेलोविंग होता है, उसको अपन यहाँ पे क्या बोलते हैं? डिसफेजिया। और पेनफुल होता है उसको ऑर्डिनोफेजिया बोलते हैं। ठीक है, और जिया होता है ना, फेजिया। ठीक है, तो एस का मतलब तो होता है आपका स्पीच, और जिया का मतलब होता है गैस्ट्रिक से रिलेटेड है आपके जीआई ट्रैक से। वापस बता देता हूँ मैं, एक एक टर्म वापस बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। पेनफुल स्वेलोविंग की पूछे आपको सिंपली, तो आपको बताना है ऑर्डिनोफेजिया। ठीक है, डिफ़िकल्टी पूछे आपको किसमें, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग। ठीक है, डिफ़िकल्टी पूछे तो आपको डिस बताना है, और डिस के आगे क्या लगाना है, फे, ये जी लगाना है, ग्रेप्स वाला जी लगाना है, डिस फे जिया। ठीक है, वो होगा डिफ़िकल्टी इन टू द स्वेलोविंग। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछते हैं आपको कि डिफ़िकल्टी इन स्पीच, यानी बोलने में दिक्कत होना, तो स्पीच में एस आ रहा है और ये फेजिया में भी एस आ रहा है। ठीक है, तो एस आई ए मतलब ये होता है आपका डिफ़िकल्टी इन आपके किस में, आपके यहाँ पे पानी, सॉरी, बोलने में डिफ़िकल्टी होती है उसको, और पानी पीने में दिक्कत होती है ना, तो डिसपेप्सिया यानी आपको थर्स्ट, उसमें दिक्कत हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग इज कॉल्ड, डिफ़िकल्टी इन स्वेलोविंग आ गया क्वेश्चन, और डिसपेप्सिया, और फिर लिखा है डिसफेजिया, देखो जिया लिखा ना, यही वर्ड इसके लिए यूज़ आएगा। एनोरेक्सिया यानी भूख की कमी, एलोपेसिया ये इसका आंसर नहीं होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द मेन साइन एंड सिम्टम नोटिस्ड इन पेशेंट विद एकेलेसिस, बताओ जल्दी से राइट आंसर इसका, ए बी सी डी। मेन साइन पूछा है हाइपरटेंशन, जॉइंट पेन, बटरफ्लाई रैश और डिसफेजिया। मेन साइन सिम्टम नोटिस पेशेंट विद एकेलेसिस, एकेलेसिस पेशेंट के अंदर आपको क्या मिल सकता है, तो एकेलेसिस पेशेंट के अंदर आपको डिसफेजिया मिल सकता है। क्या मिल सकता है? डिसफेजिया मिल सकता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, नेक्स्ट थोड़ा रैपिड सेशन चलाना पड़ेगा अपन को। नेक्स्ट पूछ रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट इन इन्वेस्टिगेशन फॉर डिसफेजिया, डिसफेजिया का इन्वेस्टिगेशन कौन सा नहीं है? बेरियम स्वेलो, बेरियम स्वेलो अपन करते हैं किसके लिए? डिसफेजिया के लिए। एंडोस्कोपी करते हैं अपन, और मैनोमेट्री भी करते हैं, कोलोनोस्कोपी कोलोन के द्वारा की जाती है, और ये अपन इसके अंदर नहीं करते हैं, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, किसका इंफ्लामेशन हो रहा है? म्यूकस मेम्ब्रेन का और गम्स का। ठीक है, उसको अपन क्या बोलेंगे? गम्स का इंफ्लामेशन है तो अपन क्या बोलेंगे? क्या स्टोमेटाइटिस बोलेंगे, क्या गिंगिवाइटिस, क्या हेलिटोसिस, क्या चिलोसिस, बताओ जल्दी से राइट आंसर, ए बी सी डी। इंफ्लामेशन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन या गम्स को अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन बोल सकते हैं गिंजिवाइटिस। क्या बोल सकते हैं? गम्स का इंफ्लामेशन गिंजिवाइटिस कहलाता है। स्टोमक का, यहाँ पर स्टोमेटाइटिस किसको बोलते हैं? ओरल म्यूकोसा का इंफ्लामेशन, ओरल म्यूकोसा का इंफ्लामेशन क्या कहलाता है? स्टोमेटाइटिस। बैड ब्रीथ फ्रॉम माउथ हेलिटोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? बैड ब्रीथ फ्रॉम माउथ, ठीक है, क्या कहलाता है? हेलिस्टोसिस कहलाता है।
और चिलोसिस, चिलोसिस आपको पता है लिप, ठीक है, लिप से रिलेटेड है, ठीक है, ये चिलोसिस कहलाता है। लिप से रिलेटेड जो आपको देखने को मिलता है ना प्रॉब्लम, एबनॉर्मलिटी, वो आपकी चिलोसिस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ डेसीडुएड टीथ इन चिल्ड्रन आर। डेसीडुएस जो टीथ है उसका नाम नंबर बताना है आपको, क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ डेसीडुएड टीथ। तो डेसीडुआ का मतलब होता है आपका जड़ झरना, क्या होता है, जड़ झरना, जड़ झरना का मतलब होता है कि गिर जाना, नीचे पड़ जाना, ठीक है। अब नीचे गिर जाने का मतलब होता है कि कुछ टाइम के लिए आना, ये टेम्प्रेरी होते हैं, ये क्या होते हैं, टेम्प्रेरी होते हैं। और डेसीडुअल तीर जो होते हैं वो कम होते हैं, मतलब कम टाइम के लिए आते हैं, मतलब परमानेंट नहीं होता है। परमानेंट तीर जो होते हैं वो नंबर में होते हैं 32 ऊपर 32 नीचे, इस प्रकार से होते हैं, ठीक है। और 16 ऊपर और 16 नीचे, तो टोटल नंबर में हो गए 32, तो 32 होते हैं। और डेसीडुएड जो तीर होते हैं वो होते हैं आपके 10 ऊपर और 10 नीचे, मिला के कितने हुए 20, यानी 20 तीर होते हैं जो क्या होते हैं आपके डेसीडुएड तीर होते हैं। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, बी इज द करेक्ट आंसर, मतलब आपके कितने 20 होते हैं नंबर में, कितने होते हैं 20 होते हैं। नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पूछा है फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ टू इरप्ट इन चिल्ड्रन इज, चिल्ड्रन में फर्स्ट टीथ कौन सा आता है, मोलार, कैनाइन, इंसिजर और कस्पिड्स। तो राइट आंसर क्या है, मोलर नहीं होगा, मोलर जो टीथ है वो तो एंड में आता है, ठीक है। फर्स्ट मोलर पहले आ जाता है, फिर सेकंड आता है, फिर थर्ड वाला बिल्कुल ही लास्ट में आता है, ठीक है। ये परमानेंट टीथ की बात कर रहा है। अब यहाँ पर परमानेंट टीथ जो चिल्ड्रन की बात कर रहा है, चिल्ड्रन में सबसे पहला टीथ कौन सा आता है, तो इंसिजर आता है। लोअर कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसिजर, कौन सा आता है, लोअर सेंट्रल इंसिजर, ठीक है। ये सबसे पहला जो अपीयरिंग टीथ होता है वो होता है, ठीक है, आपको पूछा जा सकता है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट आपको क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मंथ पे यह अपीयर होता है, कितने मंथ पर अपीयर होता है, 6 मंथ पर। फर्स्ट पेयर ऑफ टीथ इरप्ट इन चिल्ड्रन, बच्चे में सबसे पहला टीथ कब आएगा, 6 महीने की एज में, ठीक है। नेक्स्ट बोरहेव्स सिंड्रोम मीन, इसका मीनिंग क्या है, रप्चर ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, रप्चर ऑफ इसोफेगस, रप्चर ऑफ एब्डोमिनल वॉल और रप्चर्स ऑफ एब्डोमन। इंटेस्टाइन का पूछा है, इसोफेगस, एब्डोमिनल वॉल और रप्चर ऑफ एब्डोमन। बोरहेव सिंड्रोम जो है वो आपके इसोफेगस से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, इसोफेगस से रिलेटेड है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है दीज टिश्यू आर फाउंड इन स्टोमक, कौन सा टिश्यू है जो स्टोमक में पाया जाता है, लॉन्गिट्यूडिनल फाइबर, सर्कुलर फाइबर, ओब्लिक फाइबर और ऑल ऑफ दिस। ए बी सी डी, यानी कौन सा टिश्यू जो है वो स्टोमक में पाया जाता है। तो टिश्यू के अंदर आपको पूछे तो सारे ही टिश्यू क्या है, स्टोमक का पार्ट है, लॉन्गिट्यूडिनल भी स्टोमक का पार्ट है, सर्कुलर भी है, ओब्लिक भी है, ठीक है, तो तीनों ही क्या है इसके पार्ट है। यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। काइम इज कॉल्ड, काइम किसको बोलते हैं, फूड रिच इन स्टोमक, फूड इन माउथ, फूड रिच इन ड्यूडेनम और फूड रिच इन रेक्टम। काइम किसको बोलते हैं, तो काइम होता है स्टोमक, स्टोमक के अंदर जो पाया जाता है उसको अपन क्या बोल सकते हैं, काइम, ठीक है। ये ड्यूडेनम लिखा है, ड्यूडेनम को आप कर देना रिजेक्ट, क्यों, क्योंकि ये सी नहीं होगा, यहाँ पे ए होगा, मैं बोल रहा हूँ ए होगा, क्यों होगा, क्योंकि बुक में ए ही लिखा है, ये मिस प्रिंट हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए सी आपको देखने को मिला था। बाकी ये फूड इन स्टोमक क्या कहलाता है, काइम कहलाता है, क्या कहलाता है, काइम। काइम किसको बोलते हैं, जब स्टोमक में फूट जाता है उसको अपन काइम बोलते हैं, सीधा सा सिंपल सा सवाल है। नेक्स्ट है स्टूल रिजर्वियर इज नाउन इज, स्टूल रिजर्वियर का मतलब स्टूल को कलेक्ट कौन करता है, ठीक है, पूछा जा सकता है एमसीक्यू। इसोफेगस, स्टोमक, सिकम, सिग्मोइड, कोलन। स्टोमक से तो क्या होता है, प्रोपल्सिव मूवमेंट होके फूड का जाता है स्टोमक में जाता है। स्टोमक में क्या है, ये फूड रिजर्वियर होता है, कुछ टाइम के लिए फूड यहाँ पे क्या होता है, रुकता है, तो फूड रिजर्व
व्योर किसको बोलते हैं अपन, फूड रिजर्वायर किसको बोलते हैं, स्टोमक को, किसको बोलते हैं स्टोमक को, और सिकम, सिकम पार्ट होता है, देखो मैं आपको सब सारे पार्ट बता देता हूँ, ये आपका स्टोमक, ये आपका क्या है स्टोमक है, ये ड्यूडिनम है, ये जेजुनम है, ये इलियम है, ये इलियम है, ये आपका अपेंडिक्स है, ये असेंडिंग कोलोन है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ये डिसेंडिंग कोलोन है, ये सिग्मोइड कोलोन है, ये रेक्टम है, ये एनस है, एनल कैनल और एनस, ठीक है। ये क्या है, पूरा का पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, ठीक है, पूरा बता दिया मैंने आपको। इसोफेगस जो है वो इसोफेगस ये वाला पार्ट है, ठीक है। स्टोमक जो है ये वाला स्टोमक वाला पार्ट, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है पूरा का पूरा, ये आपके क्या अपेंडिक्स है, क्या है अपेंडिक्स है, ठीक है। अब ये जो सिग्मोइड कोलोन है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है सिग्मोइड कोलोन है, और यहीं पे क्या होता है स्टूल रिजर्वियर होता है, स्टूल यहाँ पे कलेक्ट होता है, लाइक दैट स्टोमक, स्टोमक के जैसा ही एक पार्ट होता है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन बोल सकते हैं सिंपली सिग्मोइड कोलन। और सिकम कौन सा है, तो ये सिकम ये वाला पार्ट है जहाँ पे क्या होता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन स्टार्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होती है, और यहाँ पे एक वॉल्व आया जाता है, इस वॉल्व को क्या बोलते हैं इलियो सिकल वॉल्व, क्या बोलते हैं इलियोसिकल वॉल्व, ठीक है। ये भी आपको पूछा जा सकता है। एक पोर्शन में आपको और बता देता हूँ कि इसोफेगस जहाँ पे एंड होता है, स्टोमक जहाँ से स्टार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, इसको अपन कार्डियक स्फिंक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है आपके तो जहाँ से स्टोमक एंड होता है और ड्यूडेनम शुरू होता है, ठीक है, पाइलोरिक स्फिंक्टर, क्या बोलते हैं इसको पाइलोरिक स्फिंक्टर, ठीक है। और ये एंड बता ही दिया मैंने आपको, तो ये तीन चार एंड जो होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो आपको एग्जाम में ये जो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। और इसको अपन बोलते हैं अपेंडिक्स वाले एरिया को मैक बर्निस पॉइंट, क्या बोलते हैं मैक बर्निस पॉइंट, जो होता है अम्बिलिकस के एवं आपके इलियम जो बोन होती है ना उसके बिल्कुल बीचों बीच, और यहीं पे क्या लगाया जाता है डॉक्टर द्वारा इस प्रकार से तिरछा कट लगाया जाता है, कट लगा के इस अपेंडिक्स को बाहर निकाला जाता है, ऑपरेशन किया जाता है। तो इस कट को अपन क्या बोलते हैं, या इस इंसिजर को अपन क्या बोल सकते हैं, मैक बर्निस इंसिजर, मैक बर्नी बर्नी इंसिजर, ठीक है, मैक बर्नी इंसिजर भी बोलते हैं, चाहे अपन इंसिजर बोलो, चाहे आयरन ग्रिड इंसिजर भी बोल सकते हैं इसको, आयरन ग्रिड इंसिजर, इंसिजन, ठीक है। तो कुछ भी अपन इसको कंसिडर कर सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ो आगे, नेक्स्ट, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर देना बच्चों, सारे के सारे लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। नेक्स्ट आपको पूछ रहे हैं द मोस्ट डायलेटेड पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, डाइजेस्टिव सिस्टम का डायलेटेड पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड अपेंडिक्स। तो सबसे डायलेटेड पार्ट कौन सा होता है, तो डायलेटेड पार्ट होता है स्टोमक, कौन सा होता है डायलेटेड पार्ट, डायलेटेड, ठीक है, तो स्टोमक आपका क्या जाएगा, स्टोमक, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, यहाँ पे करेक्ट आंसर बी।